सर, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक वायलेशन हमारे पास आ रही है, इसमें ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन है, जिसको आप रेड लाइट वायलेशन कहते हैं। लोगों की आमदोरफ़्त ज़्यादा है मार्केट्स की वजह से, और वो कुछ है भी गुंजान आबाद इलाका, तो उन इलाकों में जो है वो वायलेशन ज़्यादा होती हैं। इन्हीं वायलेशंस की वजह से जो है वो एक्सीडेंट नज़र आ रहे होते हैं मेन इमेजेस में। जो LTV की स्पीड लिमिट है ना केनाल रोड के ऊपर, वो 70 है, वरना बाकी ऑल ओवर लाहौर 60 की स्पीड लिमिट है। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, घर में लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं, तो वो कैसे चेक? बिल्कुल ऐसे मोबाइल फ़ोन तकरीबन सबके पास है, या किसी के मोबाइल फ़ोन पर भी, आप जो नॉर्मल मोबाइल है, हल्के से हल्का मोबाइल फ़ोन भी है, उस पर आप 8815 पे अपनी गाड़ी का, सवारी का, बाइक का, रिक्शे का, जो भी सवारी है उसका चेसिस नंबर उस पर भेजें, तो वापस मैसेज आपको आ जाएगा कि आपके कोई चलान है, अगर है तो पेंडिंग है और कितने अमाउंट का पेंडिंग है, या अगर आपका कोई चलान है तो ये भी मैसेज आ जाएगा कि आपकी गाड़ी के अगेंस्ट, इस गाड़ी के अगेंस्ट कोई चलान पेंडिंग नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस में लोगों ने इतराज़ किया कि मैंने इसको एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए मजबूरन इशारा काटा है, हमने वीडियो में देखा, कन्फर्म हुआ, हमने कहा जी बिल्कुल सही बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट, आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, आपने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, हम भी अपना चलान विड्रॉ करते हैं, टेक्निकल रीजंस के ऊपर इसको विड्रॉ करते हैं। नाज़रीन, ये चलान की वजह से लोगों में कानून का खौफ और एहसास पैदा हुआ, लोग ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन नहीं करते, वन वे वायलेशन नहीं करते, और सबसे बड़ी बात ट्रैफिक हादसात अस्पतालों में रिपोर्ट कम हो रहे हैं। लेकिन लोगों के कुछ सवालात भी हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जब वो रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रैफिक पुलिस या पंजाब पुलिस के अहलकार उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके वाजिबुल अदा इतने ई चलान पेंडिंग है, आप कहते हैं कि आज तक मुझे ई चलान हमारे घर के एड्रेस पर रिसीव नहीं हुआ, या ये गाड़ी या मोटरसाइकिल मेरे नाम नहीं, या सबसे बड़ी बात इन ई चलान को पे किस तरह करना है, तो अब आपने परेशान नहीं होना, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने आपकी सहूलत के लिए एक मैसेज सर्विस का आगाज कर दिया। लेकिन एक मैसेज सर्विस इतने मसाइल को हल कैसे करेगी, आइए जानते हैं। वेलकम टू द पुलिस लॉ। नाज़रीन, लोगों के जो मसाइल हैं ई चलान को लेके, उनके लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक मैसेज सर्विस का तो आगाज़ किया, उसको भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उन ऑफिसर्स से पूछते हैं जो आपके ई चलान करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि आप सबसे ज़्यादा वायलेशन कौन सी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहतशाम शाह। ऑफिसर एहतशाम, मुझे बताइए कि वायलेशन कौन सी आवाम सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी किस चीज़ की करती है? सर, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक वायलेशन हमारे पास आ रही है, इसमें ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन है, जिसको आप रेड लाइट वायलेशन कहते हैं, उसके बाद फिर दूसरी ओवर स्पीड हैं और लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और बाकी डिफरेंट वायलेशन। अच्छा, सबसे ज़्यादा वायलेशन के आवर्स कौन से हैं, कितने बजे से लेके कितने बजे तक वायलेशन ज़्यादा होती है? मोस्टली जो जिस तरह ऑफिस जाने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम है, सुबह 9 बजे 8 बजे, फिर वापसी छुट्टी का जो 4-5 बजे का टाइम है, सब ज़्यादा रश भी उसी टाइम पर होता है ऑब्वियसली, और सबसे ज़्यादा वायलेशन भी। फिर ओवर स्पीड की वायलेशन हैं, वो मोस्टली मिड नाइट के बाद ज़्यादा होती हैं, बड़े रोड्स पे, केनाल रोड पे, जेल रोड पे, और इन रोड्स। जी नाज़रीन, इनसे पूछते हैं कि वायलेशंस होती कौन कौन सी हैं और सबसे ज़्यादा कौन सी जगहों पे, लाहौर की कौन सी जगहों पे लोग वायलेशंस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है जी आपका? रहील इरशाद। जी ऑफिसर रहील, मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा किन जगहों पर लाहौर में वायलेशंस लोग करते हैं, ई चलान रिकॉर्ड होते हैं, आपके सिस्टम में आते हैं? वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल तकरीबन सारे लाहौर में ही वायलेशंस होती हैं, जहाँ जहाँ कैमराज मौजूद हैं वहाँ पे हमें वायलेशंस जो हैं वो डिटेक्ट होती हैं। लेकिन जेनेरिक बात की जाए तो चूँकि मार्केट और जो रशी एरियाज़ होते हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पे चूँकि लोगों का आमदोरफ़्त ज़्यादा होती है, लोगों ने ज़्यादा आना जाना होता है, तो वहाँ पे जो है, अगर मैं बात करूँ अंदरून लाहौर या सिटी, लाहौर सिटी का जो एरिया, वहाँ पर वायलेशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आमदोरफ़्त ज़्यादा है मार्केट्स की वजह से, और वो कुछ है भी गुंजान आबाद इलाका, तो उन इलाकों में वायलेशन ज़्यादा होती हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो वायलेशन होती है, जिस तरह एक ऑफिसर आपके शाम ने बताया कि रेड सिग्नल लोग जंप करते हैं, क्या ये जो लोग वन वे वायलेशन करते हैं, एक रोड है, लोग तो ये चाहते हैं कि यू टर्न बहुत दूर दूर है, तो क्या वो वायलेशंस भी होती हैं, वो आपके पास रिकॉर्ड में होती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो रॉन्ग यू टर्न की भी हो जाती है, और वन वे वायलेशन जिसको बोलते हैं, वन वे वायलेशन भी काफ़ी ज़्यादा कैप्चर्ड होती हैं। वो लोग टाइम सेविंग के लिए या पास का जो है वो लंबा चक्कर नहीं लेना चाहते, तो वो उसी रोड पे जो जाने वाली रोड है उसी पे वन वे वायलेशन करते हैं और वापस को आ जाते हैं, और वो भी हमारे कैमराज में कैप्चर्ड होती है और उनको भी टिकट्स इशू की जाती हैं। अच्छा रहील, आपने बताया कि सिग्नल जंप, रेड लाइट वायलेशन के बाद सबसे ज़्यादा जो वायलेशन आप रिकॉर्ड करते हैं वो वन वे वायलेशन होती है, क्या नुकसान आते हैं, क्या लोगों के एक्सीडेंट होते भी नज़र आते हैं जब आप टिकट जारी कर रहे होते हैं उन्हें? बिल्कुल, जब हम वायलेशन पर टिकट जारी कर रहे होते हैं तो अमूमन हमें जो है वो इमेज में नज़र आता है कि
इन्हीं वॉयलेशंस की वजह से जो है वो एक्सीडेंट नज़र आ रहे होते हैं मेन इमेजेस में। जहाँ तक बात आपने वन वे वॉयलेशन की, आप चूँकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान तो इसका यही है कि आप दूसरी ट्रैफिक के लिए और दूसरे लोगों के लिए और अपने लिए भी ट्रैफिक जो है वो एक्सीडेंट का कॉज बन रहे होते हैं, जिससे जानी नुकसान का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। सेकंड जो है उसका जो नुकसान है वो यही है कि आप ट्रैफिक कंजेशन का जो है वजह बन रहे होते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और ट्रैफिक में जो है वो कंजेशन का बाइस बन रहे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? सईद अनवर। अच्छा ऑफिसर सईद, मुझे बताइएगा कि कुछ वायलेशंस जो हमें अभी हमने डिस्कस की कि वन वे वायलेशन होगी, उसके अलावा सिग्नल जंप की जिसे रेड लाइट वायलेशन होती है, ये तो एक बड़ी वायलेशन है, लोगों को नज़र आती है, लोग आसानी से एडमिट कर लेते हैं। क्या कोई ऐसी कोई छोटी छोटी वायलेशंस हैं जो लोगों को नहीं पता लगता, वो कर गुजरते हैं फिर उनकी जेब पे भी बारी गुजरती है, कोई ऐसी वायलेशंस हैं? जी बिल्कुल, ऐसी भी वायलेशंस हैं जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की है, ओवर स्पीड की है, लाइन एंड लेन की हैं। ये छोटी छोटी ऐसी हैं वायलेशन जो लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। ज़्यादातर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे है, लोग सिग्नल ऑन हुआ होता है, रेड होता है और लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो कि पैदल चलने वालों की जगह है लेकिन वो लोग उस जगह पे खड़े होते हैं आके, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हों तो वो चलान नहीं है, लेकिन वो ऊपर आके खड़े होते हैं उससे पैदल चलने वालों को भी मुश्किल होती हैं कि वो रोड क्रॉस कर सकें, उसके साथ साथ ये है कि उनका चलान भी हो जाता है। तो जो लोग स्टॉप लाइन से थोड़ा सा भी आगे खड़े हों, जिस तरह आपने ज़ेब्रा वायलेशन की बात की है कि पीछे से अगर ट्रैफिक का फ्लो आ रहा है, आप इशारा बंद हुआ है, आप फ्लो में हैं, इशारे को देखते साल आप रुक गए हैं लेकिन आप स्टॉप लाइन क्रॉस कर चुके हैं, क्या उसमें कोई माफ़ी है? उसमें भी बिल्कुल माफ़ी नहीं है। आपने अगर आप रेड सिग्नल ऑन हो गया तो वैसे तो आपको देखना चाहिए कि उस रेड से पहले आपका येलो सिग्नल जो है वो ऑन होता है, उस सेकंड के लिए बाद जाके फिर रेड ऑन होता है, वो आपको रेडी हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अगर वैसे भी अगर आप वहाँ पे जा खड़े हो गए तो इतना टाइम होता है आपके पास थोड़ा सा कि आप बैक मूव करें, ठीक है, हम कैमरे में नज़र आ जाता है, चार तस्वीरें हमारे पास आती हैं, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि पहले ये बंदा कहाँ पर खड़ा था, कुछ सेकेंड के बाद ये कहाँ पर था और फिर थर्ड में ये कहाँ पर खड़ा था। अगर वो बैकेंड में मूव कर रहा है और पीछे आके खड़ा जाता है तो हम उसको माफ़ी देते हैं, उसका चलान नहीं करते, लेकिन अगर वो स्टिल वहाँ पे ही खड़ा है और मतलब पैदल चलने वालों का भी हक मार रहा है तो फिर ज़ाहिर बात है उसका चलान तो हो गई। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हमने बात की छोटी छोटी गलतियों की लेकिन एक बड़ी गलती है कि हमारा दिल बड़ा करता है जब रोड खाली मिले, रात का पहर हो और कोई इशारा भी ना हो, और सबसे बड़ी बात है कोई ट्रैफिक वार्डन भी ना हो, हम अपनी गाड़ी को भगाते हैं। देखना ये और ये पूछना इनसे ये है कि रात के 3 बज रहे हो, रोड पर कोई नहीं है, क्या उस टाइम भी इनकी वायलेशन कैप्चर होगी? बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। ऑफिसर अब्दुल्ला, मुझे बताएं कि रात का कोई टाइम कर लें कि रोड खाली है, सिग्नल फ्री रोड्स हैं, जेल रोड होगी आपकी, माल रोड आपकी, नहर होगी, तो क्या उस टाइम भी कोई वायलेशन हो जाती है? रात के 4 बजे अगर कोई बंदा वायलेशन करता है उसको भी टिकट आएगा या माफ़ी है या कैमरे सो रहे होते हैं उस टाइम? बिल्कुल, बल्कि ज़्यादातर मेजॉरिटी होता ही है रात के 12 बजते हैं और उसके बाद लोग फुल स्पीड में जाते हैं, उनको बस यही होता है हम पहुंच जाएं, खाली रोड मिल जाती है तो जब वो घर पहुंचते हैं एक चलान इनके साथ पहुंच बिल्कुल ऐसी है। तो नॉर्मली कितने चलान होते हैं जो स्पीड वायलेशन के तकरीबन डेली आप करते हैं? नॉर्मली मतलब इसमें ये है कि 30-40% आपके स्पीड की वायलेशन है, बाकी ट्रैफिक सिग्नल है, 30-40% मतलब लाहौर के अंदर एक मेजर जो चंक है, अगर 100% में से 40% जो है आपके स्पीड वायलेशन है। अच्छा मुझे बताइए कि स्पीड लिमिट्स क्या हैं, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि स्पीड लिमिट है क्या, आवाम को शायद ये पता ही नहीं कि स्पीड लिमिट है। इसमें ऐसे है कि जो LTV की स्पीड लिमिट है ना किनाल रोड के ऊपर वो 70 है, वरना बाकी ऑल ओवर लाहौर 60 की स्पीड लिमिट है। थैंक यू ऑफिसर अब्दुल्ला। नाज़रीन अभी आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो ले ली चलान के हवाले से लेकिन अभी भी बहुत से सवालात आपके माइंड में होंगे, उन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए चलते हैं सुपरवाइज़र ई टिकटिंग एंड चलान से और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मजाद हैं आपके? अल्लाह का करम। सर मोस्टली जो वायलेशन थी माइनर वायलेशन हो गई है, मेजर वायलेशन वो डिस्कस कर दी आपके ऑफिसर्स ने बता दी, क्या अभी कोई वायलेशन रहती है डिस्कस करने वाली? रॉन्ग टर्न जो है मेरे ख्याल से भी वो डिस्कस करना रहता है, उसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ। रॉन्ग टर्न जो होता है उसमें होता है कि एक सिग्नल से पहले ना कंटिन्यूस लेन लगी होती है, ठीक है ना, रोड मार्किंग जिसे हम कहते हैं, जब भी आपने कार अपने लेन में रह के चलानी है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल राइट टर्न लेना चाहते हैं अगर आप, तो आपको उसके लिए लाजमी है कि आपकी जो कार है वो फर्स्ट लेन या राइट लेन में होना चाहिए जहाँ से आप राइट टर्न ले सकें या यू टर्न ले सकें, ठीक है जी। और अगर तो आपने स्ट्रेट जाना है तो आप मिड लेन में होंगे, और अगर आपने लेफ्ट टर्न लेना है तो आप थर्ड लेन में होंगे या एक्सट्रीम लेफ्ट लेन में होंगे। ये मैंने एग्जांपल दिए जहाँ पे 3 लेन का रोड है, ठीक है ना, वहाँ पे आपने इस तरीके से गाड़ी चलानी है, तो उसमें ये होता है कि अगर आप
सेकंड लेन से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं तो वो आपका रॉन्ग टर्न कंसीडर होगा, उसका हम चलाने शुरू करते हैं। अच्छा, सेकंड लेन से अगर राइट टर्न लेते हैं वो भी रॉन्ग आपका टर्न कंसीडर होगा, उसका भी हम टिकट इशू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नेमा साहब, मुझे अभी ये बताएं, मेरे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि किसी ने सिग्नल वायलेशन कर दी, वो अपने घर चला गया, उसको ई चलान आपके सिस्टम से वेरीफाई होने के बाद कितने दिनों में मिलता है? सर 2 से 3 डेज में उनके घर डिलीवर हो जाता है। ठीक है जी, हम वैलिड कर देते हैं, जैसे उसने कैप्चरिंग हमारे कैमरे ने कैप्चर की है, हम उसको तकरीबन 24 आवर्स के अंदर उसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई फिर प्रिंटिंग प्रोसेस से गुजर के पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू जो है ना, हम उनके जो एड्रेस है वहाँ पर डिलीवर कर देते हैं। क्या फैसिलिटीज़ दे रही है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लोगों को ई चलान की पेमेंट के हवाले से? लोग कितनी आसानी से पे कर सकते हैं? कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया? जी हाँ जी, बिल्कुल ऑनलाइन फैसिलिटी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ई चलान की, घर बैठे हुए अपनी एप्लीकेशन बैंक्स के थ्रू, इजी पैसा, जैस कैश, इन फैसिलिटी के थ्रू आप जो है ना अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने चलान की, आपको जरूरत नहीं है। यूटिलिटी बिल करते हैं उसी तरह? जी हाँ बिल्कुल राइट, उसी तरह ही इसमें PSID आपको देना होता है। ठीक है ना, वो प्रोसीजर है आपको, मतलब 15 से भी आप उसकी गाइडलाइन ले सकते हैं, तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं चलान की। अगर जिन लोगों को इसमें मुश्किलात आती हैं तो उनके लिए हमने बैंक में भी वो जाके सबमिट करवा सकते हैं, बैंक को पंजाब में करवा सकते हैं, नेशनल बैंक में करवा सकते हैं, डिपॉजिट भी मतलब आप चलान करवा सकते हैं, बाय सेल्फ भी करवा सकते हैं और वर्चुअली घर बैठ के भी करवा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑनलाइन फैसिलिटी से आपको पता है आजकल जो सूरत हाल है, कोविड की भी सिचुएशन है, लॉकडाउन की भी सूरत हाल है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमने ऑनलाइन पेमेंट इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उसमें आप इजी अपने घर बैठ के जो है ना अपने अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट उसकी जो है ना। बहुत शुक्रिया निमा साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन 8815 सर्विस के बारे में मजीद जानने के लिए चलते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी DIG कामरान खान साहब के पास, और उनसे पूछते हैं ये सर्विस क्या आपके तमाम मसाइल का हल कर सकती है जो ई चलान के हवाले से हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी DIG कामरान खान साहब, उनसे बात करते हैं ई चलान के हवाले से, जो लोगों को मुश्किलात या मसाइल का सामना है उस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हर तबका फिगर से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर में रहने वाले या पाकिस्तान में रहने वाले, उन्होंने ई चलान को बड़ा एडमायर किया। डॉक्टर्स बड़े खुश हैं कि कैजुअल्टी जो केसेज़ आते थे, फैटल एक्सीडेंट केसेज़ आते थे हॉस्पिटल्स में, वो बहुत कम हो चुके हैं। 99% जो शहरी हैं वो ई चलान के बाद ई चलान पे भी करना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों को पता तब लग रहा है जब वो राउंड अप हो रहे हैं या उन्हें रोड पे रोका जाता है। सर क्या मसाइल है? सबसे बड़ा मसला वो ये बताते हैं कि उन्हें ई चलान रिसीव नहीं होता। अगर सर इस चीज़ का अदारक करने के लिए आपने सर क्या हल निकाला? जी ठीक है, उनकी शिकायत, उनका जो गिला है अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इसमें जो हम सबसे बड़ा हमें भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो यही है कि चलान उन लोगों तक जो रोड पर वायलेशन कर रहे हैं उन तक हम पहुँचा नहीं पा रहे या नहीं पहुँच रहा। अगर हम पहुँचाने के तमाम जो पॉसिबल तरीके हैं वो हमने अपनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को चलान पहुँच नहीं पा रहा। अब उसमें उसकी क्यों नहीं पहुंच पा रहा, उसकी जो बड़ी जो वजूहत हमने एक्सप्लोर की हैं उसमें सबसे बड़ी वजह आ रही है कि हमारे यहाँ कल्चर है गाड़ी को, सवारी को, बाइक को, किसी भी चीज़ को अपनी ओपन लेटर पे भेज देना। गाड़ी मैंने ख़रीदी है, एक्साइज में जब मैंने रजिस्टर कराई तो मेरे नाम पर थी, बाद में मैंने गाड़ी किसी को भेज दी लेकिन उसको एक ओपन लेटर दे दिया, उसने किसी और को आगे भेज दी, उसने 4 हाथ 6 हाथ 10 हाथ गाड़ी बिक गई है, कागज़ों मेरे नाम पर चल रही है, एंड यूज़र ये क्या मुझे भी नहीं पता वो गाड़ी आगे कहाँ कहाँ जा चुकी है। जी कहाँ है वो, कभी किसी वक्त किसी को आएगा कि मैंने अपने नाम करनी है तो चूंकि उस पास मेरा वो डाटा है वो रब्ता करेगा और मैं जाके उसके नाम पे करवा दूंगा तो हो जाएगा। इसमें हमें भी नुकसान हो रहा है, ख़जाने को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग ट्रांसफ़र नहीं करा रहे, अदरवाइज़ हर दफ़ा ट्रांसफ़र फ़ी देनी पड़नी थी, वो ट्रांसफ़र फ़ी खजाने में नहीं जा रही है। लेकिन इस वक्त जो हमें जो उसका चैलेंज उसका फेस करना पड़ रहा है उसकी वजह से ये कि जो गाड़ी चला रहा है चूँकि उसके नाम पर नहीं है तो उस तक चलान नहीं पहुँच पाता। जब ये चीज़ सामने आई, अच्छा इसी तरह एक और बड़ी वजह भी इसमें यह है कि जो गाड़ियाँ बैंकों से ली जाती हैं, लीज़ पे ली जाती हैं, उसका एक साइज़ में बैंक का नाम होता है, जिसके आगे गाड़ी यूज़ कर रहा है उसका नाम नहीं है, उसका एड्रेस नहीं है, उसका टेलीफोन नंबर नहीं है, तो चलान तो जो चला रहा है वॉलेट वो कर रहा है, बैंक तो नहीं कर रहा, बैंक पहुँचा रहा है उस तक नहीं पहुँचा रहा, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह गाड़ियाँ कंपनियों के नाम पर हैं, कंपनियाँ अगर चल रहे हैं तो वो फिर अगेन कंपनी के पास जा रहा है, वो एंड यूज़र को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, गाड़ी कंपनी के नाम पर थी इसी तरह फिर वो गाड़ी बिक चुकी है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुई हुई है। इसी तरह लीज़ पे बहुत सारा हमारी ट्रेंड है, ख़ासतौर पर रिक्शा मोटरसाइकिलें के लीज़ पे जाती हैं और एक ही ओनर होता है जो लीज़ पे दे रहा होता है, वो बाइक्स किस्तों पे जा रही हैं और वो नाम पे नहीं होती हैं, किस्तें पूरी भी हो गई हैं ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं, तो बड़ी वजह तो ये बन रही है कि जो वायलेटर है चूँकि उसने गाड़ी सवारी जो भी उसके पास है अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराई, उसको वो जो हमारा मैसेज है हार्ड कॉपी है वो नहीं पहुँच पा रहा।
जब ये प्रॉब्लम आई तो हमने इसका पहला सबसे पहला जो स्टेप लिया था वो ये था कि हमारी जो वेबसाइट है और हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हमने फीचर दिया कि वहाँ से आप अपनी गाड़ी का नंबर डाल के और वहाँ पे चलान देख भी सकते हैं, चलान को प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा चेक ये रखा था कि गाड़ी की नंबर डालें और साथ अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर डालें ताकि हर कोई एक दूसरे का ना इस तरह रिकॉर्ड प्राइवेसी लोगों की चेक ना कर सके। लेकिन कुछ अरसे बाद उसमें हमें एहसास हुआ कि इसमें एक लिमिटेशन ये है कि जो गाड़ी बैंक के नाम है उसमें ज़ाहिर शनाख्ती कार्ड नहीं होता, कंपनी का तो नहीं होता, उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। उसमें काफ़ी सोच विचार के बाद ये चीज़ सामने आई कि जो गाड़ी का चेसिस नंबर होता है वो भी जैसे हमारा एक शनाख्ती कार्ड का यूनिक नंबर है तो चेसिस नंबर भी हर गाड़ी का एक यूनिक नंबर होता है, वो किसी दूसरी गाड़ी का नहीं हो सकता और वो गाड़ी के बिल्कुल बाहर विजिबल बाहर भी होता है, वो गाड़ी ओनर देख सकता है या अपने कागजों में से देख ले, कागज उसके पास है या गाड़ी का खोल के देख ले, वो जो ड्राइवर है वो देख ले, तो वो अपने गाड़ी का चेसिस नंबर भी हमारे वेबसाइट पर जाके देख सकता था। लेकिन उसमें ये फैसिलिटेट हमने कर दिया, उसमें फिर लोगों का गिला आया कि ये तो अब बहुत सारे लोग हम एक डेढ़ साल से चलान नहीं मिले तो हम क्या करें। हमने फिर उसमें ये किया कि एक्साइज के रिकॉर्ड से जिनके तो हमारे पास मोबाइल नंबर मिल गए हमें रिकॉर्ड में, हमने उन सबको मैसेजेस भेजे। अच्छा। और इसमें एक बड़ा अच्छा रिस्पांस है, जैसे आपने कहा कि 99% पब्लिक देना चाह रही है, तो उसका बिल्कुल उसका ये जो रिजल्ट आया कि हमने तकरीबन 1,74,000 के SMS भेजे जो हमारा डिफॉल्टर था, पिछले एक डेढ़ साल से लोगों ने चलान तक नहीं पहुँच पाए थे इस वजह से नहीं दिए, और उन सबको जितना डाटा मिला सबका मोबाइल नंबर भी एक साइज के रिकॉर्ड में नहीं है, उसमें भी हम 50-60% ज़्यादा लोगों नहीं हुआ। फिर बाद लोगों जिन्होंने ओपन लेटर भेज दिए मोबाइल नंबर तो फिर भी मेरा ही है, बिल्कुल ऐसे गाड़ी कोई और चला रहा है उसका मोबाइल नंबर तो नहीं आ गया। इन सारी लिमिटेशन के बावजूद 1,74,000 रुपये के हमने मैसेज भेजे और उसके अगेंस्ट चला मैसेजेस के अगेंस्ट सिर्फ चंद हफ्तों में हमें 5.5 करोड़ लोगों ने पैसे जमा कराए, रुपये खजाने में गए, हमारे पास नहीं आते, सीधा हुकूमत पंजाब के खजाने में जाते हैं। अगेन ये शो करता है कि लोगों को जब पहुंच जाए तो वो पे करना चाहते हैं। ठीक है, अब इन सारे चैलेंजेस को देख के जब ये आपने कहा कि ट्रैफिक रोकती है उनको डिफॉल्टर्स को तो फिर भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसका एक और हल अब हमने ये निकाला है जो लेटेस्टली पिछले दिनों IG साहब ने सिता किया है उसका, कि शॉर्ट कोड हमने किया है, इंट्रोड्यूस किया है 8815। ठीक है, 8815 जी। तो उस पे अगर आप किसी भी फ़ोन से, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन पे था या वेब पे था उसमें आपके पास नेट होना ज़रूरी है, डाटा कनेक्शन मोबाइल में होना ज़रूरी है, यूजर्स जो यूज तो करना कर सकते हैं, कहीं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, घर में लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं, तो वो कैसे चेक करें। तो मोबाइल फ़ोन तकरीबन सबके पास है या किसी के मोबाइल फ़ोन पर भी आप जो नॉर्मल मोबाइल है हल्के से हल्का मोबाइल फ़ोन भी है उस पर आप 8815 पे अपनी गाड़ी का सवारी का बाइक का रिक्शे का जो भी सवारी है उसका चेसिस नंबर उस पर भेजें तो वापस मैसेज आपको आ जाएगा कि आपके कोई चलान है, अगर है तो पेंडिंग है और कितने अमाउंट का पेंडिंग है, या अगर आपका कोई चलान है तो ये भी मैसेज आ जाएगा कि आपकी गाड़ी के अगेंस्ट इस गाड़ी के अगेंस्ट कोई चलान पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को अभी हालांकि थोड़ा अरसा हुआ है लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों से फीडबैक हमारे उसमें जो जहाँ जहाँ भी हमने इसको तशहीर की है वहाँ पे भी आई है, पर्सनली लोगों ने भी कहा है कि जी हमें नहीं पता था, अब हमने चेक किया इस नंबर पे तो बड़ी आसानी से हमें पता लग गया है, तो हम गाहे बगाहे अब हमने तय कर लिया है कि हम हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, महीने में एक दफ़ा एक छोटा सा SMS भेज के, बल्कि बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा है और ख़ुद मैंने भी ये किया है कि अपनी गाड़ी का नंबर कॉन्टैक्ट नंबर्स में फीड कर लिया मैंने। अच्छा। और उसके अगेंस्ट चेसिस नंबर एक ही डाला कि बार बार देखना पड़े, तो मैं वहीं से चेसिस नंबर निकालता हूँ, मैसेज में इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और सेंड कर देता हूँ 8815 पे, तो मुझे 1-2 मिनट के अंदर मैसेज वापस आ जाता है कि मेरा चलान मजीद हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, ओके सर। अभी हमने ई चलान का सिस्टम देखा जो आपका एक डिपार्टमेंट है सर, उसमें जब एक वायलेशन होती है उसको प्रॉपरली वेरीफाई किया जाता है सर, ये क्या कोई ऐसा फीचर मौजूद है 8815 सर्विस में, शॉर्ट सर्विस कोड में, कि अगर एक वायलेटर ने किसी बंदे से वायलेशन हो गई है, हमारे सिस्टम ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसे खुद से इंटीमेट कर दिया जब बता दिया जाए कि आपसे गलती हो गई है। देखिए, वैलिड होने के बाद वो चलान जाना है, एक्साइज का डाटा आना है, उसको बताने का तरीका तो यही है ना कि उसको या तो पोस्टल तरीके से बताया जाए वो एक चलान जा ही रहा है, या दूसरा तरीका है शॉर्ट पॉसिबल तरीका है कि कोई मैसेज के जरिए। बिल्कुल, तो जिनके तो नंबर फीड है एक्साइज में उनको तो हम साज चलान जनरेट होता है एक SMS भी भेजते हैं। हम अपनी तरफ से कोई ऐसी नई जो मुमकिन रास्ते हैं उन सबको हमने अपनाया है और कोशिश की है कि लोगों को बर वक्त इतला मिल जाए। अभी हार्ड कॉपी नहीं भी पहुंची होगी, वो पाकिस्तान पोस्ट महकमा डाक के जरिए तकसीम होती है, जैसे ही महकमा डाक के पास हमारी हार्ड कॉपी पहुंचती है इधर से एक मैसेज भी जनरेट हो जाता है, तो मैसेज तो आपको होता है विद इन सेकेंड्स वहाँ पहुँचता है, तो अभी असल कॉपी हार्ड कॉपी आप तक डाक के जरिए नहीं भी पहुँची, तो मैसेज के जरिए अगर आपका नंबर रिकॉर्ड में सही है तो आपको मैसेज के जरिए इतला मिल जाएगी कि आपका इस तारीख को एक चलान, तो लोगों के लिए आसानी होगी कि ई चलान घर में रिसीव होने से पहले ही आपको मैसेज आ गया, और उसमें लिंक भी दिया हुआ है हमारा जो अब मैसेज आएगा ये 8815 पे मैसेज जा रहा है उसमें भी एक लिंक दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करें
तो हमारी वेबसाइट खुल जाती है और सीधा उसी जगह पे आप चले जाते हैं फील्ड में जहाँ पे ई चलान आप अपना देख सकते हैं। उसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ई चलान में तस्वीरें भी होती हैं बाकायदा आपका एविडेंस के साथ, और उसमें यह भी बताया होता है कि अगर आपको इस पर एतराज़ है तो आप इस ई मेल एड्रेस के ऊपर ई मेल करके या इस नंबर पर रब्ता करके सर शहरियों को जब इतराज़ है चैलेंज अगर अच्छी चैलेंज भी कर सकते हैं, मतलब वो अदारे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि ये मेरा चलान गलत हुआ है, गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास तमाम इन सिग्नल्स के ऊपर जहाँ पे ये हो रहे हैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो अगर किसी को कोई ऐसा इतराज़ है तो वीडियो रिकॉर्डिंग में हम जाके देख लेते हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर चलान ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज चलान अगर आपका वैलिड है हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। लोग कई दफ़ा इसमें कहते हैं रियायत कर दें, माफ़ कर दें, इस किस्म की हम चीज़ कानूनन हमें इजाज़त नहीं है उसमें, लेकिन टेक्निकल रीज़न आ सकती है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप सिग्नल पर खड़े हैं, पीछे से दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, तीन खड़ी हैं और एक एम्बुलेंस आ गई है, उसका सायरन बज रहा है, तो आपने इसको रास्ता देना है, लाजमी देना है, इशारा मिशन रेड है, आप गाड़ियाँ आगे निकालेंगे तो आप कैमरे को तो नहीं पता, उसने जैसी देखा गाड़ी इशारा काटा है उसने इसको कैप्चर कर लेना, ठीक हो गया। तो हो सकता है हमारे इंसान है, हम जब चलान नारे इस चीज़ को ओवरलुक कर जाएं हम इतने चलानों में, और हम सिर्फ ये देखेंगे रेड लाइट है ये रियलाइज किए बगैर, क्योंकि तस्वीर में एम्बुलेंस तो नजर नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसा ठीक है ना, क्योंकि तस्वीर वो तो वीडियो देखने पे या किसी के इतराज़ करने पता लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में लोगों ने इतराज़ किया कि मैंने इसको एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए मजबूरन इशारा काटा है, हमने वीडियो में देखा कन्फर्म हुआ, हमने कहा जी बिल्कुल सही बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट, आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, आपने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, हम भी अपना चलान विड्रॉ करते हैं टेक्निकल रीजंस के ऊपर इसको विड्रॉ करते हैं सर। या एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आप बिल्कुल सही खड़े हैं, आप आए इशारे पर और किसी दूसरे गाड़ी ने गाड़ी इस तरह खड़ी की हुई है जो लेन को अपने लेन में आपने रहना होता है, उसने लाइन की गाड़ी दो टायर इधर खड़े कर दिए, दो इधर कर दिए, अब आपने इस या इस लेन में आना है या इस लेन में आना है, लेकिन दोनों सूरतों में आपको आधी गाड़ी की जगह नहीं है तो आप किसी न किसी लाइन किसी को किसी लेन को तो आपने क्रॉस कर, आप मजबूरन उस चीज़ को जेहन में रखें, अगर आपको चलान आता है आप फौरन बताएं कि जी आपने वीडियो में रिकॉर्ड में चेक कर लें, साथ वाली गाड़ी ने मुझे जगह ही नहीं दी थी, मेरे लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं था क्रॉस करने के लिए, मैं लाइन को वायलेट करता हुआ जाऊँ, तो अगर वो वीडियो में कन्फर्म हो जाएगा तो चलान आपका कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नाज़रीन जिस तरह डीएजी कामरान खान साहब ने बताया कि 8815 एक सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है, चेसिस नंबर अपनी गाड़ी का आप उस पर मैसेज करेंगे, आपको ना सिर्फ आपकी वायलेशंस का बताया जाएगा, आपके बकाया जात अमाउंट का बताया जाएगा, बल्कि एक लिंक भी दिया जाएगा कि आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने चलान्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि अगर आपको लगता है कि आपकी वो वायलेशन आपसे नहीं हुई या किसी मजबूरी की वजह से एमरजेंसी में आपने किसी एम्बुलेंस को रास्ता देना था या कोई भी सर्टन रीज़न हो सकती है तो वो उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है, आपकी वो ई चलान आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। ये सहूलियात आपके लिए 8815 सर्विस का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और परेशानी से बचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप रोड पर जा रहे हैं पुलिस आपको राउंड अप कर ले और तब ये कहते फिरें कि मुझे तो नहीं था पता कि मुझे ई चलान घर में रिसीव नहीं हुए। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ मुझे उमर वक्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।